हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे टाइम टेबल फॉर नीट विथ कोचिंग या फिर स्कूल। तो आपको क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो कोचिंग या फिर स्कूल के साथ। मैंने आपके लिए एक टाइम टेबल प्रिपेयर किया है एंड इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं 4 बजे उठती थी, आप जितने भी बजे उठते हो 5 बजे 6 बजे उसके अकॉर्डिंग आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। तो मैं 4 बजे उठती थी, देन 4 से 4:30 एक्सरसाइज करती थी, देन मेडिटेशन एक्सरसाइज, कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगे, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जिससे। देन 4:30 से 6 बजे तक पढ़ाई करनी है, 1.5 घंटे का स्लॉट रहेगा ये। 6 से 6:30 रेडी हो जाओ स्कूल कोचिंग जहां भी आपको जाना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम सेव करना है। अब आपको पता है हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, तो यहाँ पे जहां भी हो सके टाइम को सेव करो। ब्रश कर रहे हो, ब्रश करते करते जैसे जहां पे आप ब्रश कर रहे हो उसके सामने ही अपनी फॉर्मूला शीट चिपका दो और रोज ब्रश करते करते उसको रिवाइज करो ताकि आपको कुछ तो रिवाइज हो जाए। तो आप रोज ऐसा करोगे तो आपको याद हो जाएंगे, नोट्स पढ़ने लगो, सामने नोट्स रख लो उसको पढ़ो ब्रश करते करते। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, जहां भी चांस मिले वहां पे रिवाइज करो। फिर 6:30 से 2 बजे तक कोचिंग या फिर स्कूल होती ही होती है बच्चों की। देन 2 से 3 आके पावर नैप लो ताकि आप रिफ्रेश हो जाओ और पढ़ने के लिए फिर से तैयार हो जाओ। 3 से 6 बजे तक पढ़ाई करो, 3 घंटे का स्लॉट रहेगा ये। और पढ़ाई भी कैसे करनी है टाइम टेबल में, तो जो आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट है ना उसको सबसे पहले उठाओ। जैसे कि मेरा जो केमिस्ट्री था वो सबसे वीक सब्जेक्ट है, तो मैं केमिस्ट्री को सबसे ज्यादा टाइम देती थी, केमिस्ट्री को सबसे पहले उठाती थी। और जैसे बायो है, बायो सबकी अच्छी होती है ऑलमोस्ट नीट एस्पिरेंट्स की, तो बायो को क्या करना है एंड में उठाना है बिल्कुल, ताकि हम जब थक भी जाएं तब भी हम उसको पढ़ सकें। तो बायो बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जल्दी आप उसको कवर कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा थक भी जाते हो तब भी आप उसको पढ़ सकते हो। तो वीक के सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना और सबसे पहले उसको उठाना, क्योंकि अगर देखो पावर नैप लिए आप रिफ्रेश रहोगे एकदम, तो ज्यादा जो वीक सब्जेक्ट को पहले पढ़ पाओगे आप। देन 6 से 6:30 आपने ब्रेक लिया, जहां पे ब्रेक में आप वॉक पे जा सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। देन 6:30 से 7 रिवीजन किया, जो भी आपने पढ़ा सबका रिवीजन इंपॉर्टेंट आपको भी पता है तो रिवीजन किया। देन 7 से 7:30 डिनर कर लिया, 7:30 से 11 फिर आप 3.5 घंटे के स्लॉट में बैठे और फिर आपने पढ़ाई की। तो ये दिन की आपके ऑलमोस्ट 8 आवर्स हो जाते हैं आपकी सेल्फ स्टडी की। देन स्लीप शेड्यूल आपको इसके अकॉर्डिंग ही मैनेज करना है। सोने का टाइम 5 से 6 घंटा रात को रखना है आपको, इससे ज्यादा नहीं, 1 घंटा आप दिन में कभी भी सो सकते हो, तो ये आपको टाइम रखना है। तो सेल्फ स्टडी तो इम्पोर्टेंट है ही है, सेल्फ स्टडी आपको करनी ही करनी है। कम से कम 7 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी अगर आपने रेगुलर कर ली ये आने वाले 5 महीनों में, तो आपका सिलेक्शन आने वाले 5 महीनों में रेगुलर सेल्फ स्टडी, ये जो टाइम टेबल अगर ये आपने अच्छे से फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन हो। और इसको ऐसे स्ट्रिक्टनेस की तरह लेके नहीं चलना है कि हाँ आपने अब इसी के अकॉर्डिंग काम करना है। ये कभी भी ऐसा हो सकता है कि ये कभी आप नहीं भी फॉलो कर पाए, कभी आपने कर भी लिया, तो चीजें होती रहती है। बट एक कंसिस्टेंसी बना के रखनी है कि दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, 5 से 6 घंटे से ज्यादा आपको सोना नहीं। अगर आप इससे ज्यादा सोगे तो आपका टाइम तो वैसे भी खराब होना है। तो एक बार सो, अच्छे से सो पूरी नींद लेके, और फिर पढ़ाई करो अच्छे से बिल्कुल फोकस के साथ। अब जैसे आपको कोचिंग में जाते हो या स्कूल में जाते हो, वहां पे अगर टाइम मिला तो रिवाइज कर लिया। जैसे कोई सामने टीचर पढ़ा रहा है, जैसे फिजिक्स पढ़ा रहा है, बट वो टॉपिक आपका हो चुका है अच्छे से, तो आप सामने केमिस्ट्री की बुक खोल सकते हो नीचे रख, और चुपचाप आप अपने आप पढ़ाई कर सकते हो। कि टीचर्स वैसे भी वहां पे ध्यान नहीं देते हैं कोचिंग में कौन क्या कर रहा है, तो सबसे आखिरी बेंच पे बैठो और केमिस्ट्री की बुक खोलो, पढ़ लो जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस टाइम पे वो पढ़ो। तो टाइम मत खराब करो। अब जहां पे फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ इधर उधर की बातें करने से अच्छा आपकी आप अपने टॉपिक्स को उनके साथ डिस्कस करके अपने अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन भी पढ़ते हो तो सिर्फ एक टीचर रखो एक सब्जेक्ट के लिए, एक टाइम पे एक सब्जेक्ट पढ़ो और एक ही टीचर रखो। अगर आप 1000 टीचर रखोगे एक ही सब्जेक्ट के लिए, तो हर एक टीचर अपना अलग तरीके से पढ़ाता है, हर टीचर अपना अलग अलग चीजें बताता है। तो आप 1000 टीचर्स के तरीकों से पढ़ोगे तो आपको 1000 बातें बताएंगे और फिर बस कंफ्यूजन ही होगा। तो ऑनलाइन में पढ़ने पे ये ध्यान रखना कि एक ही टीचर होना चाहिए आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। सेल्फ स्टडी मस्ट है, मैंने अभी बताया 7 से 8 घंटे कर लो, बस ये 5 महीने हैं। अगर आपने अच्छे से बहुत अच्छे से कर लिया तो सिलेक्शन बहुत अच्छे मार्क्स के साथ ले जाओगे। टारगेट लिस्ट बनाओ, एक को सोने से पहले एक टारगेट लिस्ट बना के सो, ये टारगेट रहा इसको मुझे कल कंप्लीट करना है और इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करके अगले दिन ये पूरा खत्म करके ही सोना है। बस में ट्रैवल कर रहे हो तो रिवाइज कर लो, ऐसे नहीं कि इधर उधर की बात कर रहे हैं दोस्तों के साथ, इधर उधर की ऐसे कर रहे हैं, उसकी जगह आप अपनी नोटबुक खोलो, शांति से बैठो और रिवाइज करो। कोई मोबाइल वगैरह मत रखो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन, जो भी चीज आपको टॉक्सिसिटी दे रही है, नेगेटिविटी दे रही है, उस चीज को दूर कर दो अपने टाइम टेबल में, उस चीज को रखो ही मत, ऐड मत करो, डिस्ट्रैक्शन को अपने आप से दूर रखो। बस ये 5 महीने में ये चीज आप फॉलो कर लो, जस्ट कीप काम से काम, अपने काम से काम रखना। अगर आप अपने काम से काम रखते हो, इधर उधर की बातों में नहीं इंडल्ज होते हो, इधर उधर की बातों में नहीं ध्यान देते हो ज्यादा, अपनी पढ़ाई से काम रखते हो ज्यादा और इधर से डिस्कशन फालतू चीजों की करने की
वजह आप पढ़ाई की डिस्कशन करते हो, मतलब इतना ज्यादा नीट में ही इतना फोकस कर लो, इतना पागल हो जाओ कि 5 महीने तुम्हें कुछ और दिखे ही ना, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, हर टाइम बुक्स ही होनी चाहिए, तभी आप अगर ये 5 महीनों में अपना सिलेबस अच्छे से कम्प्लीट करके रिवाइज करके पेपर को क्लियर कर पाओगे। ये टाइम टेबल है, अब आपके सामने कैसे करना है, इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे भी आपको शिफ्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। बस याद रखना सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 7-8 घंटे की सेल्फ स्टडी आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अभी 5 महीने बचे हैं और बहुत कम टाइम बचे, और इतना वास्ट सिलेबस है कि सब कुछ ही आपको कवर करना है, और हमें पेपर का भी कोई आइडिया नहीं है पेपर कैसा आएगा, टफ आएगा, इजी आएगा, कैसा पेपर आएगा। बेटर है आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ। अब ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल आपको हमेशा फॉलो ही फॉलो करना है, कभी भी ब्रेक भी हो सकता है। ये कोई ऐसा टॉपर नहीं है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कंसिस्टेंटली अपना टाइम टेबल फॉलो करते, वो टाइम टेबल बिगाड़ते हैं फिर से बनाते बिगाड़ते हैं। बट द थिंग इज कीप ट्राइंग, ऐसे नहीं कि अब बनाया फिर उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया, करो उसको फॉलो कंसिस्टेंटली, पढ़ो लिस्ट पढ़ो उसको, जो आपने एक्सरसाइज लिखी नहीं करी कोई बात नहीं, नहीं करी तो, पर पढ़ाई जो लिखी है ना कि इतने घंटे पढ़ना है, वो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि एक चीज जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी वो है मेहनत एंड पढ़ाई। आप अगर ये चीज कंसिस्टेंटली करते हो, डेडिकेशन के साथ करते हो, फोकस के साथ करते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोका। तो अभी कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, और फ्री मेंटरशिप मैंने आपको बताया ही है, अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।